हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों आइए आज का हम अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का एक हावरली चार्ट है। आप देख पा रहे किस प्रकार से एक ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर बैंक निफ्टी चल रहा था, लेकिन इसके ऊपर काफी अच्छा जिगजैग बनाने को देखने को हमें मिल रहा है। ये देखिए किस प्रकार से पहले भी एक बार बैंक निफ्टी एक गैप के साथ खुला था और तकरीबन इसी लाइन के आसपास से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था। एक बार फिर से हम गैप के आसपास खुले हैं और इसी लाइन के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लेकर नीचे आए हैं। लेकिन जो शुक्रवार की ट्रेड की देखने की बात थी, इतना गैप अप खुलने के बाद भी, इतनी हैवी लॉन्ग पोजिशन बनने के बाद भी वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली। और अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो काफ़ी पहले के जो दो दिन से उनसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिले हैं। ये दिखा रहा कि बाजार ने ऊपर की तरफ कुछ ज़्यादा ही जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कर ली है। ये देखिए डेली चार्ट्स पर किस प्रकार से हमने गैप बना दिया। दोस्तों इस प्रकार के जो गैप होते हैं वो ज्यादातर फिल हो जाते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि बाजार एक बार के लिए इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो जिस प्रकार से हमने 25,900 के आसपास की जो ओपनिंग की थी बैंक निफ्टी के अंदर, उसके अंदर हमें तकरीबन एक 924-25 के आसपास का हाई मिला और वहीं से हम फिसलना शुरू हो गए। इस प्रकार से जो हमारे तकरीबन जो ओपनिंग थी वही हाईज के आसपास और जो हमारी क्लोजिंग है बिल्कुल लो के आसपास, ये दिखा रहा कि बाजार के अंदर ऊपर की तरफ अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जो ये दिखा रहा कि बाजार के अंदर अभी नई बाइंग बैंक निफ्टी के मामले में अगर बात की जाए तो नई आ रही है और लोग ऊपर की तरफ अपनी शॉर्ट कवर, अपनी जो लॉन्ग पोजिशन बनी हुई है उनको कवर कर रहे हैं। दोस्तों ये आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट किस प्रकार से देखिए, हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने जो ऊपर की जर्नी स्टार्ट की थी उसका तकरीबन 61.8% का टारगेट हमें मिल चुका है। अब उसी लाइन के ऊपर लगातार दो हफ्ते से हम सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर इस प्रकार के जो डोजी ऊपर बन रहे हैं ये बाजार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, बाजार की तेजी के लिए। लेकिन अभी इनका कन्फर्मेशन मिलना बाकी है। अगर बाजार अपने 62.8 के रिट्रेसमेंट को तोड़ता है, जो तकरीबन अगर आपको उसकी वैल्यू बताऊं तो 25,204 के आसपास की बनेगी, उसको तोड़ के अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो मैं समझता हूं कि वहां से और 500-700 पॉइंट की गिरावट बन सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार थोड़ा जो ऑप्टिमिस्टिक सा दिख रहा है कि हो सकता है 200-300 पॉइंट की रेंज के अंदर 25,500-26,000 की रेंज में घूम सकता है। दोस्तों अगर ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वैसे तो हमने 1% के गेन हमें फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिले और 6% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन अभी ये कंफ्यूजन बनी हुई कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जुड़ा है या नीचे की तरफ। क्योंकि अगर नॉर्मल डाटा देखा जाए तो 1% की बढ़त हमें देखने को मिली, 6% का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर दिखाई देता है कि ऊपर की तरफ जुड़ा है। लेकिन जहां पर हम खुले थे वहां से तकरीबन हम 200 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। इस प्रकार ये हमें दिखा रहा है कि बाजार के अंदर हो सकता है जो ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है ये शॉर्टिंग साइड पे भी हो। दोस्तों कॉलपुट डाटा की बात की जाए तो कॉलपुट डाटा के अंदर हमें एक रेंज दिखाई दे रही है, वो है 25,500 नीचे की तरफ और 26,000 ऊपर की तरफ। यानी कि इन दोनों लेवल्स को किसी भी तरफ क्रॉस करने के बाद बाजार के अंदर एक बड़ी 400-500 पॉइंट की रैली बन सकती है, जो तकरीबन शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग के द्वारा हमें देखने को मिल जाएगी। आइए दोस्तों एक बार के लिए हम मंडे या ट्यूजडे के लिए बैंक निफ्टी के अंदर कॉल बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जहां तक बैंक निफ्टी की बात की जा रही है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि मंडे की ट्रेड को आप ध्यान से एक बार के लिए वॉच कीजिए। अगर आपको बैंक निफ्टी 26,000 के ऊपर इंट्राडे में निकलता हुआ दिखाई देता है और सस्टेन करता है तो मैं समझूंगा वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो बैंक निफ्टी को 26,400 की तरफ लेके जानी है। और अगर बैंक निफ्टी वहीं पर 25,700 या 800 के बीच में कंसोलिडेशन करता है और वहां पर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न दिखाई देता है तो हम समझेंगे कि जो 6% का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है वो नीचे की साइड जुड़ा है और वहां से एक शॉर्ट इनिशिएट की जा सकती है। यानी कि बाजार जो एक गैप के अंदर आके बिल्कुल अटक गया है, इतना ऊपर खुलना और वहां से सेलिंग का बनना और फिर भी तकरीबन हमारे पास 300 पॉइंट के आसपास का गैप रह चुका है, तो इस प्रकार के गैप ज्यादातर इंट्राडे में या अगले एक दो दिन में मार्केट कोशिश करती है कि उनको फिल कर दे, तो मैं कई बार उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के गैप फिल होने वाले हैं। दोस्तों एक बात और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये कि जो वीकली ऑप्शंस होते हैं उनके अंदर अगर आप बहुत दूर या 400 या 500 पॉइंट के आसपास की अगर या कॉल या पुट लेते हैं तो आप समझिए कि आपके पास सिर्फ 4 दिन होते हैं, मंडे ट्यूजडे थर्सडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो इस प्रकार से सिर्फ 4 दिन के ऊपर अगर आप 70-80 पॉइंट का प्रीमियम देते हैं तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाता है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि जो कोई भी वीकली कॉल्स के अंदर ट्रेड करता है वो ज्यादा दूर की कॉल पुट ना ले, वो एट द मनी कॉल पुट में काम करे। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।